उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस पर कांग्रेस हाईकमान एक्शन मोड में आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तराखंड के पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल से इस्तीफे मांगा है और इस पर गणेश गोदियाल ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। गणेश गोदियाल के अलावा उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव से भी इस्तीफे की पेशकश की गई। गणेश गोदियाल ने पत्र जारी करते हुए लिखा कि प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आज मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं परिणाम के दिन ही इस्तीफा देना चाहता था पर हाईकमान के आदेश की प्रतीक्षा पर रुका था। आज दिल्ली पहुंचकर जैसे ही अवगत हुआ कि अन्य वो सभी राज्यों के जवाबदेह पदाधिकारी जहाँ चुनावों में आशातीत सफलता नहीं मिली है अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। मैंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के तौर पर संघर्ष लगातार करता रहूंगा। अमेठी में बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में एक युवक का शव सरसों के खेत में पड़ा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के भाई ने मृतक की पत्नी पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है।